तो गाइस फाइनली आज फिर से एक बार मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के बारे में। और इस फोन से रिलेटेड काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, खास तौर से इसके कैमरा में। जी यहाँ पर गाइस देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई थोड़ा कुछ चेंज हो गया है सेटअप। एक्चुअली में गाइस देखो, ये मेरा सेटअप नहीं है। यहाँ पर जो आप सोफा देख रहे हो ना, इसकी भी एक काफी जबरदस्त कहानी है। मैं आगे अपनी वीडियो में उसको शेयर करने वाला हूँ। मैं जल्दी चलो दोस्तों, एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहां पर मैं अपना होम टूर देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे नए घर में शिफ्टिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके हिसाब से मैंने प्रॉपरली पूरे घर को रेनोवेट किया था, और उसमें गाइस बहुत ही खतरनाक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। वो लाइफ लर्निंग लेसन मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रखना, मिस नहीं करोगे। जल्दी वीडियो आ जाएगी, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में वीडियो आ जाएगी। अब यहां पर गाइस चलते हैं सैमसंग की तरफ। तो यहां पर देखो, सैमसंग जो है वो अपनी कैमरा क्वालिटी ऑब्वियसली काफी अच्छी रखता है, और साथ ही साथ में जो उसके प्रोसेसर रहते हैं, जो उसका परफॉर्मेंस रहता है, इस डिपार्टमेंट में भी जो है ना दोस्तों, उसकी क्वालिटी काफी जबरदस्त हो। अब गाइस एक इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल के आ रही है जहां पर S25 में हमें, मतलब खास तौर से जो 25 अल्ट्रा रहेगा, उसमें एक टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल सकती है जो कि ALOP है, जिसका मतलब हुआ ऑल लेंस ऑन प्रिज्म। अब यहां पर गाइस देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम कुछ इस तरीके से करती है कि जो पेरिस्कोपिक और जो टेलीफोटो लेंस रहता है फोन में, उसमें एक अलग से प्रिज्म अटैच हो जाता है। अब वो प्रिज्म की मदद से होता क्या है कि जो लाइट है वो बहुत ज्यादा जो ना दोस्तों लेंस में ट्रांसफर होती है। अब यहां पर अगर आप प्रिज्म को निकाल दोगे तो जनरली जो लाइट ट्रांसफर होनी चाहिए लेंस को, बिल्कुल उसी तरीके से होती है, मतलब नेचुरली जो आती है। लेकिन अगर आप प्रिज्म लगा देते हो तो प्रिज्म के थ्रू जो है ना दोस्तों, वो और ज्यादा लाइट कैमरा सेंसर को ट्रांसफर होती है लेंस के थ्रू। तो यहाँ पर प्रिज्म के होने की वजह से जो ज्यादा लाइट ट्रांसफर हो रही है, उसमें गाइस जो पिक्चर क्वालिटी वो काफी जबरदस्त होती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो डार्कर सिचुएशंस रहती है, जो अंडर एक्सपोज्ड एरियाज रहते हैं, उसको जो ना दोस्तों प्रॉपर एक्सपोज कर देती है टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर गाइस इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो खास तौर से इसके टेलीफोटो में होता है, क्योंकि टेलीफोटो में ऑब्वियसली जूमिंग होती है, और जितना जूम जब करते हैं हम, तो गाइस साइड से जो ना पिक्सल्स क्रॉप होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट कैप्चर है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। लेकिन अगर प्रिज्म टेक्नोलॉजी उसमें आ जाती है तो गाइस देखो, अलग से प्रिज्म के थ्रू जो ना दोस्तों लाइट सेंसर पे आ रही है और लेंस पे आ रही है, तो इससे क्या होगा कि लाइट कम नहीं होगी, लाइट जो ना दोस्तों मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर टेलीफोटो वाले भी शॉट्स रहेंगे, वो काफी ज्यादा क्लियर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि नॉइज उसमें काफी कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है अगर सैमसंग इसको इंप्लीमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज ये भी है कि भाई सैमसंग जो ये इंप्लीमेंट कर रहा है वो सिर्फ S25 अल्ट्रा में ही इंप्लीमेंट करेगा। अब देखो, इसका बेनिफिट एक ये भी होता है कि जो इसका डिजाइन रहता है वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि अगर हमें बेटर लाइट कैप्चर वाले लेंसेज चाहिए तो उसमें जो कैमरा मॉड्यूल है उसको और ज्यादा थिक करना पड़ेगा टाइमली बेसिस के ऊपर, क्योंकि जब वो मैकेनिज्म उसमें लगेगा तो उसके हिसाब से जो लाइट कैप्चर है वो और ज्यादा होगा। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझो तो DSLR अगर आप देखते हो तो उसमें आगे देखो कितना बड़ा लेंस लगा रहता है, मतलब वो काफी ज्यादा स्पेस घेरता है। इसी वजह से गाइस उसमें लाइट कैप्चर बहुत अच्छी होती है। एक तो ऑब्वियसली सेंसर उसका 1 इंच का होता है, और लेंसेज में लाइट कैप्चर अच्छी होती है क्योंकि लेंस का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, और इसी हिसाब से जो पिक्चर क्वालिटी है DSLRs की वो आउटस्टैंडिंग होती है। लेकिन जो प्रिज्म टेक्नोलॉजी है गाइस, इसमें जो है ना अलग से कुछ बड़ा हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है, खास तौर से टेलीफोटो लेंस के लिए। और अगर आप टेलीफोटो लेंस के लिए हार्डवेयर नहीं लगाओगे तो भाई ऑफ कोर्स है कि जो कैमरा मॉड्यूल है वो ज्यादा थिक नहीं होगा, विच मींस के ये टेक्नोलॉजी खास तौर से स्लिमर मॉडल्स के लिए काफी जबरदस्त रहेगी। अब यहां पर गाइस देखो, दो चीजें सामने आ सकती है। एक तो ये चीज, अगर कंपनी इसको इंक्लूड कर देती है तो उसका प्राइस काफी जबरदस्त इंक्रीज हो सकता है। अब वो कितना इंक्रीज होगा वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और दूसरी चीज ये है कि इस टेक्नोलॉजी को कंपनी खास तौर से अपने अल्ट्रा डिवाइस में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि बेस मॉडल्स के लिए ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। या अगर जो स्लिम फोन के बारे में अब तक हमें लीक सुनने में आ रही है, जैसे कि कंपनी S25 स्लिम लॉन्च करने वाली है, उसमें में भी हो सकता है कि ये प्रिज्म की टेक्नोलॉजी मिले। लेकिन अब देखो, भले ही अल्ट्रा में मिले या भले ही स्लिम में मिले, मेरे हिसाब से भाई ये टेक काफी जबरदस्त है। मे भी आप सवाल करोगे कि भाई इसमें जूम कितना होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 3x तक हमें ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, पेरिस्कोप की मदद से ये और 5x तक चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई सैमसंग जो है वो 10x जूम देता है। देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली में 10x ऑप्टिकल जूम नहीं होता है, जो बाकी का जो 5x है वो एक्चुअली में इमेज क्रॉप जूम रहता है, जो कि कंपनी ने S24 अल्ट्रा में इंट्रोड्यूस किया है। देखो अब कंपनीज को ऑब्वियसली अगर उनको 10x जूम देना है तो लोग फोन में दे सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वही चीज मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। हार्डवेयर लगाना पड़ेगा उसमें टेलीफोटो लेंस का, जिसकी वजह से जो कैमरा बम्प है वो बहुत ज्यादा होगा और फोन जो ना दोस्तों बल्कि देखेगा। इसलिए कंपनी इस टेक्नोलॉजी पे आई कि यहाँ पर क्रॉप जूम जो ना दोस्तों देंगे तो वो काफी जबरदस्त रहेगा, और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑब्वियसली AI की हेल्प से इमेज क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी जो हार्डवेयर वाली चीज है भाई, उसकी क्लैरिटी तो मेरे हिसाब से
जेन्युइन रहती है। तो यहाँ पर गाइस देखो जवाब सिंपल यही है कि इसमें 3x प्लस 5x जूम हमें देखने को मिलेगा, बाकी का जो 5x रहेगा वो क्रॉप जूम रहेगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी गाइस इसमें आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है मुझे जरूर से बताना। और हाँ, मेरे इस वाले वीडियो के लिए वेट जरूर से करना, लाइफ लर्निंग लेसन रहेगा गाइस। काफी सारी चीजें मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कम से कम 2 से 3 महीने लगाए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, तो इसलिए वो वीडियो मिस मत करना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय।